अष्टमी चतुर्दशी अमावास्य पूर्णिमा चंद्र सूर्य ग्रहण ऋतु संधि प्रतिपद में तथा श्राद्ध भोजन अथवा श्राद्ध का प्रतिग्रह लेने पर एक दिन और एक रात्रि का अनाध्याय काल माना जाता है। पशु मेंढक नेवला श्वान सर्प बिड़ाल और सुअर के बीच में आने पर तथा शक्रध्वज के अवरोहण का दिन आने पर एवं उत्सव का दिन होने पर भी एक ही दिन रात्रि का अनाध्याय काल होता है। अपवित्र वस्तु शव शूद्र अंत्यज श्मशान और पतित व्यक्ति का सामीप्य होने पर तत्काल अनाध्याय होता है। अपवित्र देश में अपवित्र अवस्था में बार बार बिजली चमकने पर दो प्रहर तक का बार बार मेघ गर्जने पर भोजन करने के बाद हाथ गीला करने पर जल के मध्य में अर्धरात्रि में तथा मध्य के दो प्रहरों में भी आंधी तूफान के बीच में भी उतने काल तक अनाध्याय होता है। दिग्दाह होने पर उत्पात होने पर जैसी धूल की वर्षा होने पर संध्याकालीन कोहरा होने पर अथवा चोर राजा आदि के कारण होने पर उपद्रवों के समय तत्काल अनाध्याय होता है। स्वयं दौड़ते हुए अपवित्र मदिरा आदि का गंध आने पर तथा शिष्ट व्यक्ति के घर आ जाने पर अनाध्याय काल होता है। गधा ऊंट वाहन हाथी घोड़ा नौकर नौका वृक्ष और पर्वतारोहण का काल अनाध्याय काल ही होता है। उपर्युक्त 33 अनाध्याय को तात्कालिक अनाध्याय माना गया है, अर्थात ये निमित्त समय उस समय अनाध्याय समझना चाहिए। देवता की मूर्ति ऋत्विक स्नातक आचार्य एवं राजा की छाया पर स्त्री की छाया रक्त विष्ठा मूत्र थूक और उपटन की सामग्री का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बहुश्रुत ब्राह्मण सर्प क्षत्रिय की अवमानना कदापि न करें, ऐसे ही अपनी भी अवमानना न करें। उच्छिष्ट विष्ठा मूत्र और चरण प्रक्षालन जल दूर से ही त्यागने योग्य है। श्रुति और स्मृति में कहे गए सदाचार का पालन करना चाहिए। किसी के गोपनीय रहस्य को प्रकाशित कर उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी की निंदा या ताड़ना नहीं करनी चाहिए, किंतु पुत्र अथवा शिष्य को दंड देना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए, धर्म विरुद्ध आचरण उसके लिए त्याज्य है। ग्रस्त व्यक्ति को माता पिता अतिथि और धनी पुरुषों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। दूसरे के सरोवर में 5 पिंडी मिट्टी बिना निकाले उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। नदी झरना देव सरोवर और पोखर तालाब में स्नान करना चाहिए। दूसरे की सैया पर शयन नहीं करना चाहिए। अनापत्ति काल में परान्न भोजन नहीं करना चाहिए। कृपण बंधी चोर अग्निहोत्र न करने वाले ब्राह्मण वांस का काम करने वाले न्यायालय में जिसका दोष सिद्ध हो चुका है खुदखोर वैश्या सामूहिक दीक्षा देने वाला चिकित्सक रोगी क्रोधी नपुंसक रंगमंच से जीविका चलाने वाला उग्र निर्दयी पतित व्रात्य दम्भी उच्छिष्ट भोजी शस्त्र विक्रेता स्त्री के वश में रहने वाला ग्राम्य याजक शांति के लिए अनुष्ठान करने वाला निर्दयी राजा धोबी कृतघ्न कसाई चुगलखोर झूठ बोलने वाला सोम विक्रेता बंदी तथा स्वर्णकार इनका अन्न कदापि नहीं खाना चाहिए। बाल तथा कृमि आदि से युक्त भोजन एवं मांस भी नहीं खाना चाहिए। बासी उच्छिष्ट सुप्त पका हुआ वह अन्न जो अधिक काल बीतने के कारण विकृत हो गया है। कुत्ते द्वारा स्पृष्ट पतित द्वारा देखा हुआ रजस्वला से स्पृष्ट संधुष्ट तथा पर्यान्न को भोजन तथा अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिए। गाय से सूंघा गया पक्षियों के द्वारा उच्छिष्ट और जानकर पैर से छुआ गया अन्न भी त्यागने योग्य होता है। कदापि शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहे। तथापि जो शूद्र परंपरा से ही अपने यहाँ सेवक है गोपालन करने वाला है कुल परंपरा से ही जो मित्र के समान व्यवहार करने वाला है परंपरा से अपने यहाँ हल बाहे का काम करने वाला है कुल परंपरा से जो निर्धारित नाई है उसके अतिरिक्त वह शूद्र जिनमें मन वाणी शरीर एवं कर्म से सर्वथा अपने को समर्पित रखा गया है ऐसे शूद्रों का अन्न स्वीकार किया जा सकता है लेकिन सूखा अन्न घी आदि स्निग्ध पदार्थों से युक्त अन्न आदिवासी है या बहुत काल से रखा हुआ है तो भी ग्रहण करने योग्य होता है किंतु घृत या तेल आदि से संस्कृत न होने पर भी गेहूँ और गोरस से तैयार किए गए पदार्थ यदि बहुत देर तक रखे गए हैं तब भी ग्रहण किए जा सकते हैं यदि विकृत न हुए हों तो।
देव और अतिथि को बिना समर्पित किया हुआ तिल तंडुल मिश्रित पदार्थ यबागु खीर पुआ तथा पूड़ी का भोजन व्यर्थ हो जाता है। पंडालू और लहसुन आदि उग्र पदार्थों का सेवन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहे। जो पुरुष पशु हत्या करता है तो वह पशु के रोम परिमित काल तक घोर यातनाओं को सहन करते हुए नरक में वास करता है। अभोज्य पदार्थों का परित्याग करके अपनी सद्गति की कामना से प्रभु से क्षमा याचना और प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। 97वां अध्याय द्रव्य शुद्धि का वर्णन करते हुए भगवान याज्ञवल्क्य महामुनि कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनिजनों, अब मैं द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग सब एकाग्र चित्त होकर के सुने। सुवर्ण रजत अब्ज साक रस्सी तथा बकरे आदि के चमड़े से बनाए गए पात्र होत्र चम्मच आदि यदि किसी चिकने पदार्थ के लेप से रहित और उच्छिष्ट हाथ आदि से ही केवल स्पृष्ट है तो उनकी शुद्धि जल से प्रक्षालन मात्र करने पर हो जाती है। यज्ञ में प्रयुक्त श्रुक एवं श्रवा की शुद्धि उष्ण जल से तथा धान्यादि का शुद्धिकरण जल के प्रोक्षण से होता है। काष्ठ और सींग आदि से निर्मित पात्रादि की शुद्धि छिलने से होती है। मार्जन करने से यज्ञ का पात्र पवित्र हो जाता है। उष्ण जल और उष्ण गोमूत्र से धोने पर ऊनी और रेशमी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचारी के हाथ में विद्यमान भिक्षा प्राप्त अन्न बाजार में विक्रय के लिए रखा हुआ अन्न तथा स्त्री का मुख पवित्र होता है। मिट्टी का पात्र अग्नि में पकाने पर शुद्ध होता है यदि चांडाल आदि से स्पृष्ट नहीं है तो। गौ के द्वारा सूंघे जाने पर और केश मक्षिका एवं कीटादि से दूषित होने पर अन्न की शुद्धि यथा योग्य जल भस्म तथा मिट्टी डालने से हो जाती है। भूमि का पवित्रीकरण मार्जनादि करने पर होता है। रांगा सीसा तथा ताम्र पात्र की शुद्धि क्षार और अम्ल मिश्रित जल से होती है। कांस्य और लोह पात्र की शुद्धि भस्म तथा जल से मार्जन करने पर होती है। अज्ञात वस्तुएं तो सदैव पवित्र ही रहती हैं। अमेद्य शरीर से निकलने वाले मल वसा शुक्र और श्लेष्म आदि से लिप्त पात्र की शुद्धि मिट्टी और जल के द्वारा परिमार्जित कर उसमें व्याप्त गंध एवं लेप को दूर करने से होती है। प्रकृति द्वारा भूमि में एकमात्र जल जो गौ को संतृप्त करने में पर्याप्त है वह सदैव शुद्ध होता है, पवित्र होता है। सूर्य की रश्मियाँ अथवा सूर्य भगवान की किरणों से तपा हुआ सूर्य भगवान की किरणें अग्नि धूलि वृक्ष की छाया गौ अश्व पृथ्वी वायु तथा ओस की बूंदें पवित्र ही होती हैं। यह किसी भी काल में किसी भी समय स्थित हों इनको पवित्र ही मानना चाहे, चाहे कैसी भी स्थिति वहाँ पर विद्यमान हो। याज्ञवल्क्य महामुनि ऋषियों को संबोधन करते हुए कहते हैं हे ऋषिवर, इस प्रकार शास्त्र विधि या पूर्वाचार्यों के मतानुसार इन चीज़ों को शुद्ध कहा गया है अथवा ये चीज़ें ये वस्तुएं इनसे शुद्ध होती हैं। मनुष्यों को स्नान करने के बाद जल पीने के बाद छींक आने के बाद शयन के बाद अथवा शयन के करने के बाद भोजन करने पर मार्ग में चलने पर तथा वस्त्र बदलने पर पुनः आचमन करना चाहिए, ये शास्त्र का वचन है। जमाही लेने पर निष्ठीवन थूकने पर शयन करने पर शास्त्र धारण करने पर और अस्त्रपात होने पर रोने पर रुदन करते समय इन पांच अवस्थाओं के बाद अथवा इन पांच अवस्थाओं में भी आचमन नहीं करें अपितु दक्षिण कान का स्पर्श कर लें। ब्राह्मण के दक्षिण कान पर अग्नि आदि देवता सदैव विराजमान रहते हैं। ब्राह्मण के दक्षिण कान में अग्नि आदि देवता सदैव वास करते हैं।
98 अध्याय दान धर्म की महिमा। याज्ञवल्क्य महामुनि कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं दान धर्म की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उनमें भी जो सत्क्रियावान ब्राह्मण है वे श्रेष्ठ हैं। उन कर्मनिष्ठों में भी विद्या तथा तपस्या से युक्त ब्रह्म तत्ववेत्ता श्रेष्ठ तथा सत्पात्र है। गृहस्थ के द्वारा गौ भूमि धान्य तथा सुवर्ण आदि का दान सत्पात्र को उसका पूजन करके दिया जाना चाहिए। विद्या एवं तपस्या से हीन ब्राह्मण को प्रतिगृह स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान लेने पर वह प्रदाता और स्वयं को अधोगामी बना देता है। प्रतिदिन उपयुक्त पात्र को दान देना चाहिए। निमित्त सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि विशेष अवसरों पर उपस्थित होने पर विशेष रूप से अधिक दान देना चाहिए। किसी के याचना करने पर भी यथाशक्ति अपने श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। सुवर्ण से अलंकृत सिंगों वाली, चांदी से मंडे हुए खुरों वाली, सुंदर वस्त्राच्छादित अधिक दूध देने वाली सुशील गौ का यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए और दान देते समय साथ में कांस्य पात्र भी देना चाहिए। सिंह में 10 सौवर्णिक 160 मासा सोना तथा खुर में 7 पद चांदी लगाना चाहिए एवं दोहन पात्र 50 पल कांसे का होना चाहिए। गौ का बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिए, रोग रहे तथा सबस्ता होनी चाहिए। यदि बछड़ा न हो तो सुवर्ण का पिप्पल काष्ठ का वाचा बना करके देना चाहिए। ऐसा देने से प्रदाता बछड़े के शरीर में स्थित रोम संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष पर्यंत स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गौ कपिला होती है तो वह दाता के 7 कुलों का उद्धार कर देती है। जब तक प्रसव कर रही गौ की योनि में बछड़े के दोनों पैरों सहित मुख दिखाई देता है और जब तक वह गर्भस्राव नहीं कर देती, तब तक गौ को पृथ्वी के समान ही मानना चाहिए। सामर्थ्य के अभाव में सुवर्णमय सिंह आदि से युक्त गौ का दान यदि न किया जाए तो भी रोग रहित हृष्ट पृष्ट दुग्ध देने वाली अथवा दुग्ध न देने वाली गर्भिणी गौ का जो दान करता है वह स्वर्ग लोक में महामंडित होकर निवास करता है। थके हुए प्राणी की अना आसनादिक दान के द्वारा थकान दूर करना, रोगी की सेवा करना, देव पूजा करना, ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करना तथा ब्राह्मण द्वारा उच्छिष्ट किए गए स्थान और पात्र का मार्जन कृत्य विधिवत किए गए गोदान के समान फलदाय होता है। ब्राह्मण के लिए जो अभिष्ट हो उसे वह वस्तु प्रदान करे, प्रदाता को स्वर्ग लाभ देना चाहिए। भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और घृत के दान से प्रदाता लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। घर, धान्य, छाता, माला, उपयोगी वृक्ष, यान, घृत, जल, सैया, कुमकुम, चंदन आदि प्रदान करने से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सत्पात्र को विद्या प्रदान करने वाला देव दुर्लभ ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। मूल्य लेकर भी वेदों के अर्थ, यज्ञों के विभिन्न विधियों को संपादित करने वाले तथा शास्त्र और धर्मशास्त्रों को लिखने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। वेद शास्त्र के संसार के मूल हैं, इसी कारण ईश्वर ने सबसे पहले इन्हीं की सृष्टि की। अतः सब प्रकार का सत प्रयत्न करके वेदों का अर्थ संग्रह करना चाहिए, अर्थात वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए भली भांति प्रयास करना चाहिए। जो अधिकारी इतिहास अथवा प्राण लिखकर दान देता है वह ब्रह्म दान के समान प्राप्त पुण्य का द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है। द्विज को नास्तिकों के वचन, कुतर्क तथा प्राकृत और म्लेच्छ भाषा भाषित वचन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये शब्द द्विज को अधोगति में ले जाते हैं। दान ग्रहण करने का सामर्थ्य रहने पर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं जो दानदाता को प्राप्त होते हैं। कुश, शाक, दूध, गंध तथा जल ये वस्तुएं बिना मांगे यदि उल्टा पतित नपुंसक एवं शत्रु के अतृप्त किसी दुष्कृति के द्वारा भी दिया जा रहा हो तो भी उसका प्रत्याख्यान करना चाहिए। यदि कोई सुकृति इन्हें बिना याचना के दे रहा हो तब तो उसके प्रत्याख्याता नाम का कोई प्रसंग ही नहीं अथवा लेना चाहिए उसको।
देवता तथा अतिथि की पूजा करने के लिए, अपने माता पिता आदि के भरण पोषण के लिए तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए पतित आदि अत्यंत कुत्सित को छोड़कर अन्य सभी से जितना अत्यावश्यक हो उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है। 99वां अध्याय, श्राद्ध के अवसर पर तथा अधिकारी की परीक्षा। श्राद्ध की संक्षिप्त विधि, महिमा और उसका फल। याज्ञवल्क्य महामुनि जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, अब मैं सर्व पाप विनाश में श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूँ। अमावास्या, अष्टका वृद्धि, पुत्र जन्म आदि, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य अन्नादि लाभ होना, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण की प्राप्ति होना, विपुष्पत संक्रांति, सूर्य के तुला और मेषादि राशि पर संक्रमण करने का समय, मकर संक्रांति, व्यतिपात, गजच्छाया योग, चंद्र सूर्य ग्रहण तथा कर्ता की श्राद्ध के प्रति अभिरुचि होना, ये सब श्राद्ध के काल कहे गए हैं, अवसर कहे गए हैं। जो ब्राह्मण युवा होते हुए सभी वेदों में अग्रिय श्रोत्रिय ब्रह्मविद मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के तात्पर्य के वेत्ता, ज्येष्ठ शाम नामक शाम विशेष के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ ज्येष्ठ शाम के अध्येता त्रिमधु नामक के ऋग्वेद के एक देश के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ त्रिमधु के अध्येता तथा ऋक् और यजु के एक देश त्रिशूल के अध्ययन के लिए विहित क्रम के आचरण के साथ त्रिसुपर्ण के अध्येता ब्राह्मण हैं, वे श्राद्ध की संपत्ति माने जाते हैं। अर्थात इन्हें भोजन कराने या दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भांजा श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों के लक्षणों से विशिष्ट ऋत्विक यजुर्वेद के एक देश विशेष के अध्ययन के अंग व्रत के आचरण के साथ उस एक देश के अध्येता दौहित्र शिष्य तथा अन्य संबंधी बंधु बांधव एवं कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ पंचाग्नि विद्या के अध्येता ब्रह्मचारी मातृ पितृभक्त एवं ज्ञान निष्ठ ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति हैं। जो रोगी महारोग से युक्त अंगहीन अधिकांग कारण पौनर्भव विधाता के पुनर्विवाह के अत्यंत उत्पन्न हुआ पुत्र अवकीर्णी आदि आचार भ्रष्ट तथा अवैष्णव है, वह श्राद्ध के योग्य नहीं होते हैं। श्राद्ध के एक दिन पूर्व ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहे, निमंत्रण देना चाहे, निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन संयम रखना चाहे, श्राद्ध दिवस के पूर्वाह्न काल में उपस्थित उन ब्राह्मणों को आचमन कराकर आसनों पर बैठा दें, विश्वेदेव अथवा अव्युदयिक श्राद्ध के लिए दो ब्राह्मण तथा पितृपात्र के स्थान पर यथाशक्ति ब्राह्मण को बैठाना चाहे, अथवा उनमें दो ब्राह्मणों को विश्वेदेव पात्र के अनुसार पूर्वाभिमुख तथा तीन ब्राह्मणों को पितृपात्र के अनुसार उत्तराभिमुख अथवा दोनों के लिए एक एक ब्राह्मण पर आसन पर बिठाना चाहे। इसी प्रकार माता महादि के श्राद्ध में व्यवस्था करनी चाहिए और माता महाश्राद्ध में विश्वेदेव संबंधी कृत्य अलग अलग या एक साथ किए जा सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को हस्त प्रक्षालन के लिए जल और आसन के लिए कुश प्रदान करें, उनकी आज्ञा से मंत्रों द्वारा विश्वेदेव का आवाहन करके भोजन पात्र में यव विकीर्ण करें, तदनंतर पवित्रक युक्त अर्घ्य पात्र में मंत्रों के द्वारा जल तथा कुश यव डाल करके ब्राह्मणों के हाथ में अर्घ्योदक प्रदान कर गंध दीपक माला हार आदि आभूषण तथा वस्त्र दान आदि समर्पित करें। तत्पश्चात अपसभ्य होकर पितरों को अप्रदक्षिण क्रम से स्थान प्रदान करें, द्विगुणित कुश देकर पितरों का आवाहन करें, उसके बाद पितृ स्थान पर विराजमान ब्राह्मण की आज्ञा लेकर मंत्र जाप करें। पितृ श्राद्ध के अंतर्गत कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज कि उसके बाद पितृ कार्य में जौ के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहे और तिल के साथ उन पितृगणों को पूर्ववत अर्घ्यादि प्रदान करें, उन अर्घ्यों के संस्रव को पितृपात्र में रखकर और दक्षिणाग्र कुशस्तंभ को भूमि पर रखकर उसके ऊपर पितृव्य स्थानमसि आदि मंत्रों के द्वारा अर्घ्यपात्र भूमि पर उलट कर रख दें, उसके बाद घृत संमिश्रित अन्न को अग्नि में प्रदान करने के लिए अर्घ्य आचार्य श्राद्ध करता
अग्नौ करणी आज्ञा प्राप्त करें। जब आचार्य ऐसा ही करो यह कह दे तो उन्हें पितृ यज्ञ के समान ही उस अग्नि में युक्त घृताक्त हव्य का हवन करके आहुति करने से शेष बचे हुए अन्न को समाहित मन से पितरों के भोजन पात्र में रख दें। पितरों के भोजन पात्र के रूप में यथाशक्ति चांदी के पात्रों का प्रयोग करना उचित है। उसके बाद अभिमंत्रित जल के द्वारा विष्णु नारायण का पाठ करें और ब्राह्मण के अंगुष्ठ को पितरों के लिए परिवेशित अन्न में प्रवेशित करें। व्याहृतियों सहित गायत्री एवं मधु मंत्रों का पाठ करें, जप करें, सुखपूर्वक भोजन करें। इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करें और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें। श्राद्ध कर्ता क्रोधाद से रहित होकर बड़े ही श्रद्धा भाव से उन ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता किए उनका अभीष्ट अंत तथा हविष्यान्न उन्हें प्रदान करें और ब्राह्मणों की तृप्ति तक पुरुषोक्त तथा भगवान सूक्त आदि का जप करता रहे। उसके बाद पुनः पहले के समान मध मंत्र का पाठ करके ब्राह्मण शेषान्न को लेकर उन संतृप्त ब्राह्मणों के द्वारा हम तृप्त हो गए इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मणों की अनुज्ञा से श्राद्ध करता दक्षिणाभिमुख होकर तिल सहित उस शेषान्न को ब्राह्मणों के उच्छिष्ट पात्र के समीप में ही भूमि पर जल के साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मण को मुख प्रक्षालन के लिए अलग अलग जल प्रदान करें। उच्छिष्ट के समीप में पितर आदि के लिए पिंडदान करके उसी प्रकार माता महादि के लिए भी पिंडदान करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचमन कराएं। तदनंतर ब्राह्मणों के स्वस्ति ऐसा कहने पर श्राद्ध करता अक्षय मस्तु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल प्रदान कर यथा सामर्थ्य दक्षिणा दें और स्वधा वाचिष्य ऐसा कहे। वाच्यताम के द्वारा ब्राह्मण श्राद्ध कर्ता को आज्ञा प्रदान करे। उनकी आज्ञा प्राप्त कर श्राद्ध कर्ता पितृजनों के लिए स्वधा इस वाक्य का प्रयोग करे। पुनः उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वधा ऐसा कहने देने के पश्चात श्राद्ध कर्ता पृथ्वी पर जल संचित करे। विश्वे देवाः प्रयन्ताम् यह कहकर श्राद्ध कर्ता विश्वे देवों को जल अर्पित करे, उन्हें विसर्जित करे। तदनंतर पितरों से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहे। हे पितर देवताओं कि दातारो नोभिवर्धन्ताम् वेदाः सन्ततिरेव च श्रद्धा च नो मां व्यगमद्बहुधेयं च नोस्त्विते। पितृगण हमारे यहाँ दाताओं वेदों और संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। तदनंतर वाजे वाजे आदि मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए श्राद्धकर्ता प्रसन्नता के साथ यथाक्रम पितरों का विसर्जन करें। जिस अर्घ्य पात्र में पहले संतृप्त जल रखा गया था उस पितृ पात्र को सीधा कर दे तथा श्राद्धकर्ता उन आमंत्रित ब्राह्मणों का प्रदक्षिण के साथ अनुगमन करते हुए उन्हें विदा करें। उसके पश्चात श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन करके उस रात्रि में सपत्नीक ब्रह्मचर्य का पालन करें। विवाहादिक मांगलिक अवसरों पर पितरों का नांदीमुख श्राद्ध करना चाहे। उसके लिए दही करकंधु मिश्रित यवान्न का पिंडदान करना चाहे। एकोदिष्ट श्राद्ध विश्वे देव से रहित एकान्न और एक पवित्रक से युक्त होता है। इस श्राद्ध में आवाहन और अग्नौकरण नहीं किया जाता। इस श्राद्ध का संपूर्ण कृत्य अपसव्य अर्थात दक्षिण कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करने के बाद किया जाता है। श्राद्धकर्ता इस श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों को पवित्र भूमि पर रखे हुए आसन पर उपतिष्ठताम कहकर बैठने के लिए निवेदन करें। उसी प्रकार अभिरम्यताम कहकर विसर्जन करें। ब्राह्मण को अविरतास्म यह वचन कहना चाहे। सपिंडकरण श्राद्ध में श्राद्धकर्ता तिल एवं गंध मिश्रित जल से चार पात्रों को परिपूर्ण करे। उन पितृपात्रों में से एक पात्र को अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रेत पात्र के रूप में कल्पित करें। तदनंतर श्राद्धकर्ता प्रेत पात्र में रखे हुए अर्घ्य जल के कुछ भाग को पिता आदि के तीन पात्रों में मिलाकर पूर्ववत अर्घ्यादि क्रिया का संपादन करें। मंत्रों के द्वारा प्रेत पिंड को तीन भागों में विभक्त करें, पितरों के पिंडों में मिला दें। उसके अनंतर विहित एकोदिष्ट श्राद्ध स्त्री का भी करना चाहे।
जिनका सपिंडीकरण एक वर्ष से पूर्व होता है उसके उद्देश्य से भी एक वर्ष पर्यंत सान्नोदक कुंभ प्रतिदिन प्रतिमाह तथा यथाशक्ति ब्राह्मण को देना चाहे। पितरों को समर्पित पिंडों को गौ अज ब्राह्मण अग्नि अथवा जल को अर्पित कर दें। हविष्यान्न तिल ब्रीह यव आदि से श्राद्ध करने पर पितरों को एक मास तथा पायस से श्राद्ध करने पर उन्हें एक वर्ष पर्यंत संतृप्ति प्राप्त होती है। मृत व्यक्तियों के लिए कृष्ण चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहे। ऐसा करने पर श्राद्धकर्ता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है, जीवन काल में भी उनको उत्साह शौर्य क्षेत्र तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है वह पुत्र सर्वजन श्रेष्ठता सौभाग्य समृद्धि प्रमुखता मांगलिक दक्षता अभीष्ट कामना पूर्ति वाणिज्य में लाभ निरोगता यश शोक राहित्य परम गति धन विद्या वाक सिद्धि पात्र गौ अज आविक अश्व और दीर्घायु को प्राप्त करके अंतकाल में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कृतकादि से भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र तथा भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्धकर्ता को सुलभ होते हैं, अर्थात इस प्रकार का श्राद्धकर्ता भोजन वस्त्र तथा भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। पिता पिता महादि पितर संतुष्ट होकर श्राद्धकर्ता को नित्य आयु संतति धन विद्या राज्य सभी प्रकार के सुख स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। सवा अध्याय विनायक शांति स्नान याज्ञवल्क महामुनि कहते हैं, ऋषियों अब आप सभी विनायक की अप्रसन्नता से ग्रस्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन सुनो। विनायक से ग्रस्त व्यक्ति स्वप्नावस्था में बहुत अधिक स्नान करता है, उसे स्वप्न में मरे हुए प्राणियों के सिरों का दर्शन होता है, वह उद्विग्न मन रहता है, उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहते हैं, बिना कारण उसे पीड़ा होती है। विनायक की अप्रसन्नता से युक्त होने पर राजा राज्य से वंचित रहता है, कुमारी पति से वंचित रहती है तथा गर्भिणी स्त्री पुत्र लाभ से वंचित रहती है। अतएव विनायक की शांति के लिए किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में उसे विधि पूर्वक स्नान कराना चाहे। स्नान की विधि संक्षेप में इस प्रकार है कि भद्रासन पर बिठाकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक स्नान कराना चाहे। पीली सरसों पीसकर उसे घृत मिश्रित करके उबटन बनावें और उस व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में मिले उसको मल कर स्नान कराऊं, फिर उसके मस्तक पर सर्वौषधि सहित सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य का लेप करें। सर्वौषधि युक्त चार कलशों के जल से स्नान कराना चाहिए। सरोवर आदि पांच स्थानों की मिट्टी गोरोचन गंध और गुगुल ये वस्तुएं भी उन कलशों के जल में छोड़ें। प्रथम कलश को लेकर आचार्य निम्नलिखित मंत्रों को पढ़े और उसको स्नान करावें। ओम सहस्राक्षम सतधारम ऋषिभिः पावनम स्मृतम तेन त्वामभिसिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते। जो सहस्रों नेत्रों से युक्त है, जिनकी सैकड़ों धाराएं हैं और जिसे महर्षियों ने पवित्र करने वाला बताया है, उस पवित्र जल से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। उपद्रव शांति के लिए यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे। उसके बाद द्वितीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें कि भगम ते वरुणो राजा भगम सूर्यो बृहस्पति भगमिंद्रश्च वायुश्च भगम सप्तर्षयो दधुः। राजा वरुण तथा भगवान सूर्य एवं देवगण बृहस्पति आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करें। इसी प्रकार देवराज इंद्र वायुदेव तथा सप्तर्षि गण भी आपके सौभाग्य की अभिवृद्धि करते हैं। तृतीय कलश के जल से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें कि यत्ते केशेषु दौर्भाग्यम सीमन्ते याच मूर्धने ललाटे कर्णयो रक्षणो आपस्तत्नन्तु ते सदा। उसके बाद श्राद्ध कर्म के अनुसार विनायक अभिषेक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे केशों में सीमंत में मस्तक पर ललाट में कानों में और नेत्रों में
जो दुर्भाग्य है उसे जल देवता सदा के लिए शांत करे। तदनंतर पहले कहे गए तीनों मंत्रों से चतुर्थ कलश के जल से स्नान कराए। उसके बाद बाएं हाथ में कुशा लेकर स्नान किए हुए प्राणी के सिर को उससे स्पर्श करते हुए ब्राह्मण को संयमित होकर गोलर की लकड़ी से निर्मित श्रोभा के द्वारा सार्स पतैल से अग्नि में आहुति प्रदान करनी चाहे। आहुति देने के लिए निम्न मंत्र है। ओम मिताय स्वाहा, ओम संमिताय स्वाहा, ओम सालाय स्वाहा, ओम कटंकंटकाय स्वाहा, ओम कूष्मांडाय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा। स्वाहा के पूर्व प्रयुक्त सभी नाम विनायक के हैं। इनके अनंतर लौकिक अग्नि में स्थाली पाक विधि से चरो पका करें। उसे सभी निर्दिष्ट विनायक नाम वाले स्वाहा युक्त छह मंत्रों से उसी लौकिक अग्नि में ही हवन करें। अवशिष्ट हविष के द्वारा इंद्र अग्नि यम आदि को बलि देनी चाहे, आहुति देनी चाहे। उसके बाद चतुष्पथ पर कुशों का आसन बिछाकर उसमें पुष्प गंध उंडेर की माला कच्चे पक्के चावल घृत मिश्रित पुलाव मूली पूड़ी पुआ दही पायस घृत गुड़पिष्ट लड्डू तथा इच्छु इन सभी सामग्रियों को एकत्र करके रख दें। तदनंतर विनायक जी की जननी माँ भगवती ब्रह्मा जगदम्बा का उपस्थान करें और हाथ जोड़कर अर्घ्य प्रदान करें। पुत्र जन्म की कामना करने वाली स्त्री को दूर्वा और सरसों के पुष्पों से भगवती दुर्गा की अर्चना करके स्वस्ति वाचन के साथ इस प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। के रूपं देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे, पुत्रां देहि स्त्रियं देहि सर्वान् कामाश्च देहि मे। हे माँ भगवती, आप मुझे रूप यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे माँ देवी, आप मेरे लिए पुत्र दें, लक्ष्मी दें और मेरी सभी कामनाओं को परिपूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन प्रदान कर संतुष्ट करें। अपने गुरु को दो वस्त्र प्रदान कर अन्य ग्रहों की पूजा करके सूर्यार्चन में निरत रहें। इस प्रकार विनायक और ग्रहों का पूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। ग्रह शांति निरूपण। याज्ञवल्क्य महामुनि कहते हैं, हे ऋषियों, लक्ष्मी एवं सुख शांति के इच्छुक तथा ग्रहों की दृष्टि से दुखित जनों को ग्रह शांति के लिए तत्संबंधी यज्ञ करना चाहे। विद्वानों के द्वारा सूर्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु ये 9 ग्रह बताए गए हैं। उनकी अर्चा के लिए उनकी मूर्ति क्रमशः इन द्रव्यों से बनानी चाहे। ताम्र स्फटिक रक्त चंदन स्वर्ण सुवर्ण रजत अयस सीसा तथा कांस्य अर्थात सूर्य के लिए ताम्र धातु, चंद्रमा के लिए स्फटिक, मंगल के लिए रक्त चंदन एवं बुध बृहस्पति के लिए सुवर्ण धातु, शुक्र के लिए रजत, शनि के लिए लौह, राहु केतु के लिए सीसा तथा कांस्य का धातु प्रशस्त माना गया है। सूर्य का वर्ण लाल, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध तथा बृहस्पति का पीला, शुक्र का श्वेत, शनि राहु और केतु का काला वर्ण होता है। इसी वर्ण के द्वारा उनके द्रव्य भी होते हैं। एक पाटे पर वस्त्र बिछाकर ग्रह वर्णों के अनुसार निर्दिष्ट द्रव्यों के द्वारा विधि पूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा होम करें। उन्हें सुवर्ण वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करें। उनके लिए गंध बलि धूप गुगुल भी देना चाहे। तत्पश्चात मंत्रों के द्वारा प्रत्येक ग्रह देवता के निमित्त चरु पदार्थ अर्पित करना चाहे। उसके बाद यथाक्रम वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रत्येक ग्रह को आहुति प्रदान करें, हवन करें, पूजन करें। इन ग्रहों के लिए इसी क्रम में मंदार, पलास, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुलर, समी, दूर्वा और कुश की संविधाएं विहित हैं। इन संविधाओं को घृत दधि तथा मधु से मिश्रित कर हवन करना चाहिए। तदनंतर क्रमानुसार उपर्युक्त मंत्रों के द्वारा पदार्थों की आहुति प्रदान करें, यथा सूर्य के लिए गुड़, चंद्र के लिए भात, मंगल के लिए पायस, बुध के लिए साठी चावल की खीर, बृहस्पति के लिए दही भात, शुक्र के लिए घृत, शनि के लिए अपूप, राहु के लिए फल का गुदा और केतु के लिए अनेक वर्ण के पकाए हुए धान्य की आहुति प्रदान करनी चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि इसी क्रम से प्रत्येक ग्रह के लिए अन्न भी दान रूप में दें।
तदनंतर प्रत्येक ग्रह के निमित्त यथाक्रम धेनु शंख बैल सुवर्ण वस्त्र अश्व कृष्ण गौ आयस तथा छाग की दक्षिणा देनी चाहे। इस प्रकार ग्रहों की सदैव पूजा करने से मनुष्यों को राज्यादि फल प्राप्त होते हैं। 102 अध्याय वानप्रस्थ धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य महामुनि कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी उसका श्रवण करें। वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट पुरुष को अपनी पत्नी के साथ संरक्षण का भार पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा पत्नी के सहित वन में जाना चाहे। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करते हुए अपने स्रोत अग्नि एवं ग्रह अग्नि के साथ वन में जाए। शांत एवं क्षमावान रह कर वह अहर्निश देवोपासना में निमग्न रहे। वह बिना ज्योति हुई भूमि से उत्पन्न अन्न के द्वारा अग्नि देव पितरों देवताओं अतिथियों तथा भृत्यों को तृप्त करे। आत्मज्ञान में तत्पर रहने वाला वह वानप्रस्थी दंडी जटा तथा लोम राशि को धारण करे, इंद्रियों का दमन करे, त्रिकाल स्नान करे एवं अपने को प्रतिहत अर्थात दान ग्रहण से दूर रखे। ऐसे व्यक्ति को स्वाध्यायवान भगवत आरायण तथा सभी लोगों के हित साधन में लगे रहना चाहे। उसको जीवन यापन के लिए सीमित अर्थ संग्रह करना चाहे। उसके पास जो कुछ शेष सामग्री हो उसका आश्विन मास में परित्याग कर वह व्रतादि के द्वारा ही समय व्यतीत करे। यदि शक्ति हो तो एक मास या एक पक्ष का व्रत रख कर मास या पक्ष के अंत में ही भोजन करे। ऐसा व्रती अपने दांतों को उलूखल मानकर उसी से अन्न को दूषित विहीन कर अपने प्राण रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। वानप्रस्थी को चांद्रायण व्रत करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और अपने सभी धार्मिक कृत्यों का संपादन यथासंभव फल से करें। वह ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य स्थित रहे, वर्षा ऋतु में स्थंडली पर शयन करे, हेमंत ऋतु में आर्द्र वस्त्रों को धारण करके योगाभ्यास करे, अपने दिन व्यतीत इस प्रकार वह करे। ऐसा वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो कांटों से उसे पीड़ा पहुंचाए उसके प्रति भी क्रोध न करे और जो अंगों में चंदन का अनुलेपन करे उस पर भी प्रसन्न न हो, उन दोनों के प्रति वह समान भाव रखे। ऐसा उस वानप्रस्थी का भाव होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन षड् विकारों को वह हमेशा जीतने का प्रयास करे, इंद्रियों पर दमन करे। वानप्रस्थियों में सुख और दुख भोगने की एक समान ही क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार वह वानप्रस्थी जीवन यापन करता हुआ परमात्मा की भक्ति करता हुआ अंत को दिव्य लोकों को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। एक सौ तीसरा अध्याय संन्यास धर्म निरूपण। याज्ञवल्क्य महामुनि जी कहते हैं, हे सज्जन वृंद, अब मैं भिक्षु धर्म का वर्णन करूंगा, आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। गृहस्थ आश्रम एवं वानप्रस्थ आश्रम में विहित सभी स्रोत स्त्रियों को संपन्न कर सर्ववेद संबंधी दक्षिणा जिस इष्ट में विहित है उस प्राजापत्य इष्ट को भी संपन्न करके अंत में वेद विहित विधान से समस्त स्रोताग्नियों को अपने में आरोपित करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। सन्यासी को चाहिए कि वह सभी प्राणियों का हितैषी हो, शांत हो, त्रिदंडी हो, वह कमंडल धारण करे, सभी प्रकार के सुख साधन युक्त भवनों का परित्याग कर भिक्षार्थी होकर ग्राम का आश्रय ग्रहण करे, प्रमाद रहित होकर भिक्षाटन करे और सायंकाल ग्राम में न दिखलाई पड़े। जो ग्राम भिक्षकों से रहित हो वहाँ पर वह लोभ शून्य होकर प्राणाधार मात्र के लिए भिक्षा मांगे, यम नियम का पालन करते हुए योग सिद्ध होकर सन्यासी को एक दंडी अथवा परमहंस बनना चाहिए। इस प्रकार रहता हुआ सन्यासी शरीर का परित्याग कर इसी लोक में अमृत प्राप्त कर देता है। दान देने वाला, अतिथि का आदर करने वाला, ब्रह्मज्ञानी, यथाविधि श्राद्ध करने वाला ग्रस्त भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कर्म विपाक निरूपण। याज्ञवल्क्य महामुनि कहते हैं कि पाप कर्म से उत्पन्न होने वाली नारकीय यातनाओं को भोगने से उस पाप कर्म का क्षय होता है।
शेष बचे हुए पापों का शमन करने के निमित्त प्राणी पुनः विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है, यथा ब्रह्महंता नरक भोग के पश्चात स्वान, गर्धव और ऊंट योनि में उत्पन्न होता है, मद्रा पापी व्यक्ति मेंढक और जुवारी होता है, सुवर्ण का चोर कृमि कीट तथा गुरुतल्प गामी घास फूस की योनि में जन्म लेता है। इस योनि में पाप शमन होने के पश्चात वे ब्रह्महत्यादि के पापी पुनः यथाक्रम क्षय रोगी, काले दांत वाले, कुत्सित नख वाले तथा सिपि विष्टक होकर जन्म ग्रहण करते हैं, अथवा ये सभी दोष उक्त प्राणियों के संतति में भी प्रकट होते हैं। अन्न की चोरी करने वाला रोगी, वचन देकर उसका पालन न करने वाला गुंगा, धान्य का अपहरण करता अधिक अंगों वाला, चुगलखोर दुग्ध से युक्त नख वाला, तेल का चोर तैल पाए अर्थात त्रिचट्टा कीट, अविद्यामान दोष की सूचना देने वाला दुर्गंध युक्त मुख वाला होता है, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला तथा कन्या को खरीदने वाला व्यक्ति वन में राक्षस तथा बैल होता है, रत्न का अपहरण करता हीन जाति और शाक पात का चोर मयूर योनि में जन्म लेता है, पुष्प का चोर छचुंदर, धान्यापहारी मूषक, फल का चोर बानर, पशुओं का चोरी करने वाला महेश की योनि को प्राप्त करता है, बकरी की योनि को प्राप्त करता है और दूध हरता काक योनि को प्राप्त करता है, मांस वस्त्र और नमक की चोरी करने वाले मनुष्य यथाक्रम गृद्ध श्वेत कुष्ठी तथा चीरी की योनि को प्राप्त करते हैं, उस फल को भोग कर वे त्रियक योनियों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भोग भोगने के पश्चात वे लवण भ्रष्ट पतित जन दूसरे जन्म में दरिद्र या पुरुषादम होते हैं, तत्पश्चात अपने सत्कर्मों से निष्कुलुष होकर वे योगी के महान कुल में जन्म लेते हैं और सुलक्षणों से युक्त होते हुए वे धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। 105वां अध्याय प्रायश्चित विधान एवं शांतपन कृत्र प्राग तथा चांद्रायण आदि व्रतों का विधि विधान। याज्ञवल्क महामुनि कहते हैं, हे मुनियों, विहित कर्म न करने से, निंदित कर्म का आचरण करने से एवं इंद्रिय निग्रह न करने के कारण मनुष्य अधोगति को प्राप्त करता है, अतएव आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक प्रायश्चित करना चाहे। इसी प्रकार प्रायश्चित कर्म करने से उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है और लोक भी उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करता है, प्रायश्चित से पाप का विनाश भी हो जाता है, प्रायश्चित न करने वाले तथा पश्चाताप से रहित पापी जन पाप के प्रभाव से महारौरव नामक नरक में जाते हैं। महाभयंकर तामस्त्र, लोह शंकु, पूतिगंध, हंसाभ, लोहितोद, संजीवन, नदीपथ, महानिलय, काकोल, अंधतामस्त्र तथा तापन नामक नरक में जाते हैं। ब्रह्महंता मद्यपी ब्राह्मण के सुवर्ण का चोर गुरुपत्नी गामी तथा उनका संसर्ग करने वाले मनुष्य अपने पाप के कारण अबीच तथा कुंभी पाक नामक महाभयानक नरक का भोग करते हैं। गुरु एवं वेद की निंदा करना ब्रह्म हत्या के समान है। निषिद्ध पदार्थ का भक्षण, कुटिलता पूर्वक आचरण और रजस्वला का अपरपान अधरपान करना महापाप है। अश्व तथा रत्नादि का अपहरण सुवर्ण चोरी के महापाप की भांति है। मित्र पत्नी, अपनी अपेक्षा उत्तम जात की कन्या, चांडाली और बहन तथा पुत्र वधू के साथ कुविचार भाव रखने से भी महापाप बनता है, घोर नरक की यातना प्राप्त करनी पड़ती है। इसी प्रकार माता पिता, बहन, मामी, विमाता, आचार्य पत्री, आचार्य पत्नी तथा पुत्री के साथ दुष्कर्म दुष्भाव रखने से भी महान पाप होता है, घोर नरक की प्राप्ति होती है। गोहत्या, प्रत्यता, चोरी, सुवर्ण अथवा सुवर्ण सदृश अन्य द्रव्यों का हरण, ऋण न लौटाना तथा देव ऋषि एवं पितृ ऋण से मुक्त होना, अधिकारी होते हुए भी अग्न्याधान न करना, व्रत न करना, रुपए लेकर अध्ययन कराने वाले अध्ययन करना, रुपए लेकर अध्यापन करना, स्त्री के साथ सहवास, परिवित्व,
परिषिद्ध सूद से जीविका यापन, नमक का उत्पादन, स्त्रीवधु सूत्रवध, अदीक्षित वैश्य तथा क्षत्रिय का वध करना और निंदित धन से जीविका चलाना, नास्तिकता, व्रत का लोप, सूत विक्रय, माता पिता तथा मित्र का परित्याग करना, तालाब उद्यान का विक्रय करना, कन्या को दूषित करना, बड़े भाई की अपेक्षा करके अग्न्याधान तथा विवाह करने वाले को यजन कराना तथा ऐसे व्यक्ति को कन्यादान करना, गुरु के अतिरिक्त अन्य के साथ कुटिलता करना, व्रत का लोप करना, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, मद्यपान करने वाला, स्त्री का संपर्क करने वाला, स्वाध्याय, अग्नि, पुत्र तथा बंधु का परित्याग, असत शास्त्र का अध्ययन, भार्या एवं अपना विक्रय, ये सभी निंदित कर्म उपपातक कहे गए हैं। हे मुनियों, आप अब इनके प्रायश्चित का ज्ञान प्राप्त करें। ब्रह्म हत्या करने पर पापी व्यक्ति सिर कपाल को हाथ में लेकर तथा दूसरा सिर कपाल ध्वज के समान दंड में लगाकर जले और भिक्षा मात्र से जीविका निर्वाह करता हुआ अपने पाप कर्म का उद्घोष करते हुए 12 वर्ष तक अल्प भोजन कर आत्मशुद्धि करें, अथवा जानते हुए इच्छा पूर्वक ब्रह्म हत्या करने पर लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि मंत्र के अनुसार लोम से शरीर के अवयवों के प्रतिनिधि रूप यथा विहित विभिन्न द्रव्यों की आहुति देकर अंत में अपने शरीर का भी प्रायश्चित विधान से निर्दिष्ट विधि के अनुसार अग्नि में प्रक्षेप करे। अपने प्राणों का त्याग करके ब्राह्मण की रक्षा करने में भी ब्रह्म हत्या से शुद्धि हो जाती है। अत्यधिक कष्ट देने वाले दुस्साह बहुकाल व्यापी रोग या अन्य किसी प्रकार के भय रूप आतंक से ग्रस्त ब्राह्मण को अथवा मार्ग में पड़ी हुई ऐसी ही गाय को निरोग या निरांत करके भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई जाती है। यदि कदाचित प्रमाद बस ऐसे ब्राह्मण की हत्या किसी के द्वारा होती है जो ब्राह्मण के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त नहीं है तो इस हत्या से होने वाले पाप से मुक्ति के लिए वह प्रायश्चित है।